हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंचाई, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंचाई क्या है, ठीक है। तो सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है, ठीक है। और आम तौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा ना होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा कि सिंचाई क्यों किया जाता है, ठीक है। जब कोई फसल हम लोग लगाते हैं तो उसको पानी की आवश्यकता होगी, अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो जो फसल है वो अच्छे से नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि और आम तौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है कि कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग इसके अतिरिक्त निम्न कारणों से भी किया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसके निम्न कारण क्या क्या है। तो पहला जो है कि फसल को पाले से बचाने के लिए, ठीक। सेकंड है मिट्टी को सूख कर कठोर बनने से रोकने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। धान के खेतों में खर पतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने आदि, ठीक है। अगला है कि जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहती है उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। सिंचाई का अक्सर जल निकासी जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की पृष्ठ सतह या उपपृष्ठ उप सतह से हटने को कहते हैं के साथ किया जाता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम पानी का जो हम सिंचाई करते हैं वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट्स यही, ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम फसल को सिंचाई क्यों करते हैं। तो फर्स्ट तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फसल अच्छी हो, उसकी उपज अच्छी हो, इसलिए हम फसल को हम सिंचाई करते हैं। और फसल को पाले से बचाने के लिए हम सिंचाई का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ना सूखे, तो यही कह रहा है कि मिट्टी को सूख कर कठोर बनने से रोकने के लिए हम सिंचाई करते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि धान के खेतों में खर पतवार के वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो जो खर पतवार रहता है वो नहीं होगा, ठीक। फिर अगला जो पॉइंट कह रहा है कि जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है और उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं। कृषि का अध्ययन अक्सर जल निकासी जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की पृष्ठ या सतह या उपपृष्ठ उप सतह से हटाने को कहते हैं के साथ किया जाता है। अब देखिए ये अभी हमने जाना कि कृषि क्या है। कृषि के लिए अब हमने जान लिया कि सिंचाई क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंचाई के विधियाँ कौन कौन से हैं। तो भारत में सिंचाई की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। फर्स्ट है कटवा या तोड़ विधि, ठीक है। कटवा या तोड़ विधि, इसे कटवा विधि भी कहते हैं या तोड़ विधि भी कहते हैं। तो इस विधि के थ्रू किस तरीके से सिंचाई की जाती है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यह विधि निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है, जबकि इसका प्रयोग कुछ और फसलों में भी किया जाता है। जैसे कि पानी को नाली द्वारा खेत में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जाता है, यह पूरे खेत में बिना किसी दिशा निर्देश के फैल जाता है और जल के आर्थिक प्रयोग के लिए एक खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो 0.1 से 0.2 होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपने देखा भी होगा, तो कटवा या तोड़ विधि उसे ही कहते हैं कि हम धान की खेती के लिए जो धान क्योंकि बहुत ही गहरा होता है तो फिर हमें उसके लिए कोई नियंत्रण यानी किसी भी सामान की पाइप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही कह रहा है कि यह विधि निचली भूमि में धान के खेतों की सिंचाई में प्रयुक्त होती है, जबकि इसका प्रयोग कुछ और फसलों में भी किया जाता है, ठीक है।
जैसे पानी को नाली द्वारा खेत में बिना किसी नियंत्रण के छोड़ा जाता है या पूरे खेत में बिना किसी दिशा निर्देश के फैल जाता है, ठीक है। और जल के आर्थिक प्रयोग के लिए एक खेत का क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो 0.1 से 0.2 होना चाहिए, है ना। अब देखिए तोड़ विधि के लाभ कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट कि इससे समय की बचत होगी और दूसरा कि अधिक पानी चाहने वाली फसल के लिए उपयुक्त है। तो तोड़ विधि या जो आपका कटवा विधि है बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक तो बिना किसी दिशा निर्देश के ये अपने आप पूरा फसल, क्योंकि गहराई रहेगा तो फिर पानी अपने आप चला जाएगा। यही नहीं कह रहा है कि निचली भूमि में धान के खेतों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अगला है आपका थाला विधि। तो थाला विधि क्या है, तो यह एक नकबार या क्यारी विधि के समान होता है, पर क्यारी विधि में पूरी क्यारी जल से भर जाती है, जबकि इस विधि में जल सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ के थालों में डाला जाता है। सामान्यतः ये थाले आकार में गोल होते हैं और कभी कभी चौकोर भी होते हैं, ठीक है। आपने ये नाम भी सुना होगा, थाला विधि किसे कहते हैं। तो सिंपल या नकबार यानी जैसे कि कह रहे ना पेड़, तो उसके लिए एक थाला, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और इस तरीके से यहाँ गोल टाइप बना दिया जाता है और साइड साइड से पानी दे दिया जाता है। तो यही कह रहा है कि यह नकबार या क्यारी विधि के समान होता है, पर जो क्यारी विधि होता है तो पूरा जल से भर जाता है, लेकिन जो आपका ये विधि होता है थाला विधि, सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ के थालों में डाला जाता है। सामान्यतः यह ये जो थाले होते हैं आकार में गोल और कभी चौकोर होते हैं। जब पेड़ छोटे होते हैं तो थाले छोटे होते हैं और इनका आकार पेड़ों की उम्र के साथ बढ़ता है। ये थाले सिंचाई की नाली से जुड़े रहते हैं, क्लियर। अब देखिए अगला जो है वही आपका है नकबार या क्यारी विधि। अभी हमने डिस्कस किया थाला विधि, ठीक है। अब इसे क्यारी विधि भी कह सकते हो या नकबार भी कह सकते हो। यह सतह की सिंचाई विधियों की सबसे आम विधि है। इस विधि में खेत छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, जिनके चारों तरफ छोटी मेड़े बना दी जाती है और पानी मुख्य नाली से खेत की एक के बाद एक नाली में डाला जाता है। खेत की हर नाली क्यारियों की दो पंक्तियों को पानी की पूर्ति करती है और यह विधि उन खेतों में प्रयोग की जाती है जो आकार में बड़े होते हैं। मतलब सिंपल कहें तो जो आपका बड़ा खेत होता है, ठीक है, जो आपका बड़ा खेत होता है तो उसमें क्यारियाँ बना दिया जाता है ताकि जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से उसमें जाए, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो यही कह रहा है कि इस स्थिति में खेत को कई पट्टियों में बांट देते हैं या मेड़ लगा देते हैं। इन पट्टियों को मेड़ द्वारा छोटी छोटी क्यारियों में बांट लिया जाता है और इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पानी पूरे खेत में एक समान तरीके से प्रभावित रूप में डाला जा सकता है और यह पास पास उगाई जाने वाली फसलों के लिए जैसे कि मूंगफली, गेहूं, छोटे खाद्यान्न, पारा, घास आदि के लिए उपयुक्त विधि है। और इसके अवगुण है, इसमें मजदूर यानी कुछ अच्छाई रहता है तो कुछ कमी भी रहता है। तो यही है कि इसमें क्योंकि मेड़ लगाने के लिए भी तो मजदूर चाहिए, तो यही कह रहा है कि इसके अवगुण है कि इसमें मजदूर अधिक लगते हैं, क्लियर। अब देखिए अगला जो है वो है आपका बौछारी सिंचाई। तो बौछारी सिंचाई क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि में सूत्र में पानी दबाव के साथ खेत तक ले जाया जाता है और स्वचालित छिड़काव यंत्र द्वारा पूरे खेत में बौछार द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह छिड़का जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा उसके लिए मतलब एक यंत्र होता है छिड़कने वाला, उसी के थ्रू पूरा जितना भी फसल होता है उसके थ्रू फसल पे सिंचाई किया जाता है। तो यही कह रहा है कि इसे ओवरहेड सिंचाई भी कहते हैं। कई प्रकार छिड़काव के यंत्र उपलब्ध हैं। सेंटर पाई ओट सिस्टम सबसे बड़ा छिड़काव सिस्टम है जो एक मशीन द्वारा 100 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है, क्लियर। अब देखिए अगला है कि अब हमने सिंचाई की विधियाँ जान लिया, बट अब ये जानना जरूरी है कि सिंचाई का महत्व क्या है। तो देखिए
सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में मृदा और वनस्पति की मदद करता है। इसके अलावा सिंचाई कृषि के उत्पादन में भी मदद करता है और शीतकाल में पाला के खिलाफ पौधों की रक्षा भी करता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, तो ये महत्व हो गया। जैसे कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, और जो हमने कारण डिस्कस किया आप वो भी लिख सकते हो कि इसका महत्व क्या है, हम क्यों सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो गाइज, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्योंकि हम लास्ट में रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया और क्या नहीं। तो देखिए, आज हमने डिस्कस किया कि सिंचाई क्या है। तो सिंचाई सिंपल, सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है, ठीक है। और आप अपने तरफ से भी पॉइंट जोड़ सकते हो कि सिंचाई से यही लाभ होता है कि जो मिट्टी होता है और जो भी हमारा फसल होता है, जो हम फसल लगाते हैं, तो एक तो मिट्टी उपजाऊ होता है, और अगर मिट्टी जो नरम होगा तो जो भी फसल होगा वो बहुत ही अच्छी उसकी फसल होगी, ठीक है। और आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल या आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके महत्व, जैसे कि मान लीजिए इसके कारण कौन कौन से हैं, क्यों किया जाता है। तो फसल को पाले से बचाने के लिए, मिट्टी को सूख कर कठोर ना बने इसको रोकने के लिए, धान के खेतों में खरपतवार ना हो इसकी वृद्धि को कम करने के लिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया पूरा। उसके बाद हमने विधियाँ जाना। तो विधियाँ में आपका सबसे पहले तो कटवा या तोड़ विधि जिसमें निचले भूमि में सिंचाई की जाती है बिना किसी दिशा निर्देश के, अपने आप नाली के थ्रू पानी चला जाता है, क्लियर। फिर आपका जो था वो था आपका थाला विधि। तो थाला विधि अभी हमने डिस्कस किया कि एक पेड़ होता है और उसके चारों तरफ गोल आकृति आकार का बनाकर उसमें चारों तरफ पानी दे दिया जाता है, क्लियर। और उसके बाद जो आपका था वो था आपका बौछारी सिंचाई। तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया कि इसके लिए एक यंत्र होता है, ठीक है। और क्यारी विधि में क्यारियाँ बनाना होता है। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने ये जितने भी पॉइंट्स थे ये क्लियर कर लिया है और आपको आसानी के साथ याद भी हो गया हुआ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जो अपना प्रिपरेशन है आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मृदा और फसलें, ठीक है। तो मृदा डिस्कस कर लिए हैं और फसलें में ये सभी आ जाते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपली आपको कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके और देख सकते हो। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।